आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सुन अरज सिंह महाराज भवन में माँ को लेके आजा, तुम माँ के आज्ञाकारी, माँ माने बात तुम्हारी। आ गई माँ मेरी शेर पे चढ़ के, आ गई माँ मेरी शेर पे चढ़ के, कर लो नजारा भक्तों सब रज रज के, आ गई माँ मेरी शेर पे चढ़ के। दोस्तों, ये आवाज जिनकी आप सुन रहे हैं, ये मशहूर भजन गायक स्वर्गीय बृजेश कुमार यादव नीरज की है, जिनकी गायकी का अपना एक अलग ही अंदाज था। नीरज की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह स्वयं गाने लिखते थे और कंपोज भी करते थे, साथ ही उसे स्टेज पर खुद गाते थे। हमेशा स्टेज पर वह नई रचनाओं को पेश करते थे। नीरज के तमाम माता के भजनों के एल्बम बाजार में हैं। आज उन्हीं के शिष्य संजय सोनी ने उन्हीं की एक लिखी हुई रचना को अपने अंदाज में गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, जिसका संगीत लखनऊ के जाने माने संगीत निर्देशक विनय गुप्ता ने शुरू से सजाया है। नीरज के लिखे इस गीत को विनय गुप्ता ने उन्हीं के अंदाज में म्यूजिक देने का प्रयास भी किया है। आइए आपको सुनवाते हैं यह गीत जिसे संजय सोनी ने गाया है। दीवाने तेरे माँ, दीवाने तेरे हो गए, चाहत में तेरी माँ, ये तेरे बच्चे माँ, चाहत में तेरी माँ, ये तेरे बच्चे माँ, जय माँ जय माँ जय माँ। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, साथ ही वो अपनी गायकी से लोगों का मन लुभा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने जिनके लिखे हुए गीत को गाया है वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में यह गाना समर्पित है। आइए मिलवाते हैं आपको संजय सोनी जी से, और आपको बता दें कि वह गाना बृजेश कुमार यादव नीरज का लिखा हुआ है और उन्हीं का स्वरबद्ध किया हुआ है। उसकी म्यूजिक अरेंजिंग विनय गुप्ता ने की है। आइए मिलवाते हैं सोनी जी से। सोनी जी, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माँ सबका कल्याण करें। सोनी जी, आपके गुरु जी से बृजेश जी, बृजेश यादव नीरज, जो लखनऊ के जाने माने भजन गायक थे, आज हमारे बीच नहीं हैं। आप उनको श्रद्धांजलि के रूप में इस गाने को रिकॉर्ड किया है जी। तो कैसा लग रहा है आज वो नहीं हैं? सबसे पहले तो थोड़ी सी खुशी है और बहुत ज़्यादा गम भी है उनके जाने का, क्योंकि ऐसी शख्सियत जिनका लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर भारत में एक अलग मुकाम था, अलग नाम था, उनको सुन सुन के, उनको देख देख करके, उनसे सीख सीख करके बहुत सारा गुण, बहुत सारा गाने का तरीका उनसे मैंने लिया। और जब भी मौका मिलता था, मैं उनके ऑफिस लालकुआं में, उनका ऑफिस था, मैं वहाँ जाता था, और कोई भी गाना मुझे अच्छे तरीके से गाना होता था तो मैं एक बार उनसे कहता था, भैया मुझे इस गाने का ट्यून बताइए या ये इसकी धुन बताइए, ये मुझसे हो नहीं रहा, ये स्वर नहीं लग रहा है। तो वो मुझे बहुत प्यार से बिठा करके पहले तो कहते थे तुम अच्छा गा रहे हो, फिर जब मैं कहता था नहीं भैया थोड़ा सा बताइए समझाइए, तब वो मुझे समझाते थे और मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करता था। वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे गुणी कलाकार थे, और मेरे जैसे न जाने कितने कलाकार उनके पास रोज़ाना आकर बैठते थे, उनसे कुछ ना कुछ सीखते थे। ऐसी पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि स्वरूप एक भजन रूपी पुष्प जो उन्हीं के द्वारा रचित है, उन्होंने ही गाया था, उन्होंने ही कंपोज किया था, उस भजन को मैंने श्रद्धांजलि स्वरूप गाया है आदरणीय श्री बृजेश कुमार नीरज भैया के लिए। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि इस भजन को सुने, और जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि उनकी आवाज़, उनकी रचना, उन
उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए तरोताजा रहे। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भजन की कुछ लाइनें। जी बिल्कुल। दीवाने तेरे माँ, दीवाने तेरे हो गए, दीवाने तेरे माँ, दीवाने तेरे हो गए, चाहत में तेरी माँ, ये तेरे बच्चे माँ, चाहत में तेरी माँ, ये तेरे बच्चे माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, मैं खो गए दीवाने तेरे माँ, दीवाने तेरे हो गए। ये बहुत बढ़िया। मैंने नीरज के साथ मैंने भी बहुत काम किया है, और मैंने जहाँ तक देखा है कि नीरज भातखंडे संगीत महाविद्यालय से उन्होंने शिक्षा भी ली थी संगीत की, और उस दौर में जितने भी भजन गायक लखनऊ हुआ करते थे उस दौर, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक नंबर वन ग्रुप उनका जागरण में था, तो और ज़्यादातर गाने वो स्टेज पे खुद के लिखे गाते थे, है ना, और बाकी लोग दूसरों के गाने गाते हैं, दूसरे फेमस सिंगरों के गाने गाते हैं, लेकिन नीरज की एक ख़ास बात थी कि वो अपने लिखे हुए गाने या उनके, हाँ, लखनऊ के दो, हम उनका नाम लेना चाहेंगे और उचित भी है लेना, कि राधेश्याम सलोना जी हैं जो बहुत अच्छे राइटर हैं, और आशीष कंचन जी हैं, उनके भी गाने वो गाया करते थे। तो कुछ उनकी रचना के कुछ और गाने हैं जो नीरज जी ने लिखे हो, आप गाते हो स्टेज पर? हाँ, कई गाने हैं जिनकी कुछ कुछ लाइनें मुझे याद हैं। एक गाना है उनका, जाना है दरबार मुझे मेरी माँ ने बुलाया है, जाना है दरबार मुझे मेरी माँ ने बुलाया है, रोक सके ना आंधी तूफान, ये तो माँ की माया है, जाना है दरबार मुझे मेरी माँ ने बुलाया है। और कोई ऐसा वाक्या जो नीरज जी नहीं है तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में बताना चाहें दर्शकों को, जो लोगों को कम पता हो? देखिए, वाक्या तो बहुत सारे हैं। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब मैं पहली बार उनसे मिला उनका एक प्रोग्राम था, और उनकी एक खासियत थी, एक दिन में चार चार पाँच पाँच छः छः प्रोग्राम, आठ आठ प्रोग्राम ले लेते थे, और अच्छे कलाकार को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे हमेशा से, शुरू से उनकी ये आदत थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं सुना, मैं उनके ऑफिस गया, उन्होंने बुलाया, मुझे बुक किया, मुझे आदेश किया, बेटा आज मेरा एक प्रोग्राम है। मैंने अहोभाग्य मेरा भैया जो आपने मुझे इस लायक समझा। मैं पहुंचा, मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, मैंने भैया आपका इतना बड़ा प्रोग्राम है, आपने कभी मुझको सुना नहीं है, तो कैसे? तो उन्होंने कहा, बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, होनहार बिरवान के हो चीखने पा, आगे कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, मुझे मालूम कि आप प्रोग्राम हिट करके आओगे। उनका आशीर्वाद, माता की कृपा, वो प्रोग्राम वाकई सुपर हिट हुआ। लौट कर मैं आया, बड़े खुश, कहने लगे, बेटा देखो मैंने कुछ कहा था, मैंने आके पैर छुए, मैंने कि भैया हाँ आपने कहा तो था। तो ऐसे बहुत सारे वाक्या हैं, क्या क्या बताऊँ मैं आपको, बस यादों में हैं हमारे, और कोशिश यही है, और ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें आप भी मेरे साथ हैं। और मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे आदरणीय बड़े भैया विनय तोमर जी, जिनसे मैंने ये बात शेयर की कि मैं नीरज भाई के लिए गाना गाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप गाइए, जितना खर्चा लगेगा, जो भी खर्चा लगेगा, जो भी ज़रूरत होगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और म्यूज़िक के लिए हमारे विनय गुप्ता जी ने पूरा संगीत दिया, म्यूज़िक दिया, अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश की हम लोगों ने। तो मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय बड़े भैया विनय तोमर जी का, और मेरे मित्र मेरे भाई विनय गुप्ता जी का, जिन्होंने इस शुभ काम के लिए ये जो पुष्पांजलि दी है हम सभी ने, ये मिल करके दी है। और हमारे बड़े भैया शालू भैया, मैं आपको शालू भैया के नाम से ही जानता हूँ, आपने भी पूरा सहयोग किया इस काम में कि हाँ नीरज भाई को
एक श्रद्धांजलि एक गीत के रूप में आप देना चाहते हैं, बिल्कुल दें, हमारा सबका सपोर्ट आपके साथ है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।